20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष कैबिनेट दर्जा मंत्री शेर सिंह गढ़िया ने नगर पंचायत कपकोट का भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवास योजना केंद्र व राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत गरीबों को आवास दिया जाना है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत प्रशासन पात्र व्यक्तियों का चयन कर उन्हें आवास मुहैया कराना सुनिश्चित करे। जो कपकोट विकास खंड है और तहसील है वहाँ पर जो हमारा 20 रुपये का बैठक का था वो सारी समीक्षा बैठक थी। उसमें तहसील स्तरीय अधिकारी कुछ जनपद स्तरीय अधिकारी को हमने समझा दिया। नगर पंचायत और विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य हुए उसका भी हम लोगों ने अवलोकन किया, जैसे सबके लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। और उसके अतिरिक्त अभी हम हॉस्पिटल पर आए हैं तो विशेष रूप से हॉस्पिटल में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, जैसा डॉक्टर्स वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट हैं। नेक्स्ट के लिए हमने बोला है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसको आप डिपार्टमेंट के लिए आप हमें इशू कराइए, हम जो है ऊपर जो है विभागीय स्तर पर उसकी समीक्षा करेंगे। और धीरे धीरे जो भी हमारा, जैसे आपने बोला कि अभी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो, अल्ट्रासाउंड के लिए हमने जो हमारी जिले में बैठक हुई थी उसमें सीएमओ साहब को हमने कहा था कि इसमें कम से कम 2-3 दिन का रोस्टर बनाइए ताकि कैंप के माध्यम से हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है उसको हम कराएंगे। नेक्स्ट में ये हमारा प्लानिंग में है। और एक्सरे का जो मशीन का मामला है वो चल रहा है, स्टार्टिंग वे में है। और हम लोगों का अभी इसको जो हॉस्पिटल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको 30 बेड का बनाने का अभी प्रपोज सैद्धांतिक रूप से शासन में माननीय विधायक जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वो स्वीकृत है। नेक्स्ट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा हम उसको ग्राउंड लेवल पर लाएंगे, ये हमारी प्लानिंग है। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।